दोस्त लोगों को नमस्कार। आज अपना चैनल में वेक्टर ग्रुप के बारे में वीडियो देखेंगे। अपना प्लान एक था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का वीडियो बनाने का था, लेकिन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का डिटेल्स देखने से उसमें वेक्टर ग्रुप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पहले वेक्टर ग्रुप का वीडियो बनाया हूँ। इसके बाद जो वीडियो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का आएगा। इस वीडियो पूरा देख लीजिए बिना स्किप करके, आपको वेक्टर ग्रुप समझ लेने से अगर नेक्स्ट जो वीडियो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वो आराम से समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो में वेक्टर ग्रुप्स क्या होता है, वो कैसा फॉर्मेशन होता है, वो कैसा फॉर्मेट करते हैं, और क्यों वेक्टर ग्रुप का क्यों क्यों ज़रूरत है, और इसका टेस्टिंग्स क्या है, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। तो वेक्टर ग्रुप का मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस मेथड। इस मेथड को कैटेगराइज किया है, इस मेथड को रख के ट्रांसफार्मर को वेंडिंग कनेक्शन दिया जाता है, कॉन्फिगर किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी को कौन सी टाइप का वेंडिंग होना चाहिए, कौन सी फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए करके इस स्टैंडर्डाइज किया है इस मेथड में। और क्यों अपने को वेक्टर ग्रुप चाहिए करके पूछने से, अपने को बहुत सारा ट्रांसफार्मर को पैरेलल करना है एक सर्किट में, तो उस ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी वोल्टेज है वो सारे फेस जो फेस शिफ्टिंग है सेम होना चाहिए। अगर प्राइमरी से जो सेकेंडरी फेस शिफ्टिंग होता है वो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो वो जो सेम नहीं है वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट बन सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो वो ब्लास्ट होने को चांसेस है, इसीलिए इसको वेक्टर ग्रुप को स्टैंडर्डाइज किया है। जो भी सर्किट में पैरेलल होगा उसका सेम वेक्टर ग्रुप होगा। और वेक्टर ग्रुप में तीन सिंबल आता है। पहला सिंबल कैपिटल लेटर दिखेगा, उसमें आपको वो कैपिटल लेटर यही मतलब मेंशन करता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज साइड का वाइंडिंग, डेल्टा या स्टार या इंटरकनेक्टेड स्टार, उसको हम लोग जिगजैग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, वो उसको मेंशन करता है। और सेकंड सिंबल है लो वोल्टेज साइड का, ये स्मॉल लेटर में रहता है, वो भी सेम डेल्टा कनेक्शन है क्या है वो स्टार वो जो भी वो वाइंडिंग होगा उसको मेंशन करता है। और थर्ड सिंबल है वो क्लॉक का मेंशन करता है, फेस डिस्प्लेसमेंट, वो क्लॉक मतलब अपने को फेस डिस्प्लेसमेंट करके समझना चाहिए। और इसमें 1 और 6 11, 1 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock पोजिशन का दिखाता है। फेस डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने को प्राइमरी से सेकेंडरी को कितना फेस डिस्प्लेसमेंट है वो कर जो वो है वो दिखाता है। और अभी और देखेंगे तो क्लॉक वाइज देखिए एग्जांपल। अब 0 मतलब कोई भी फेस सीक्वेंस नहीं है, जो प्राइमरी में आर वाई बी जो भी फेस सीक्वेंस में आएगा, फेस जो आएगा 120 120 120, सेम 120 प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी में। और आप 30 डिजिट 1 में देखेंगे तो 1 o'clock का देखेंगे तो 30 डिग्री लैगिंग मिलेगा। लैगिंग मतलब अपने को प्राइमरी में 120 डिग्री 0 से शुरू हो रहा है तो आर फेस का 0 से आ रहा है आर फेस, लेकिन सेकेंडरी में अपने को मिलेगा -30 डिग्री में आर फेस मिलेगा। सेम वाई फेस भी -30 डिग्री से ही शुरू होगा। तो यही है अपने को वेक्टर ग्रुप का मतलब। और 11 o'clock मतलब 30 डिग्री लीडिंग हो गया, और 5 o'clock मतलब 150 डिग्री लैगिंग हो गया, और 6 o'clock मतलब 180 डिग्री लैगिंग हो गया। और ट्रांसफार्मर का नाम प्लेट में ऐसे दिया होगा, लेफ्ट साइड का देखिए, यही वेक्टर ग्रुप है DYN11 का। डी मतलब पहले जो मैंने बताया था, डी मतलब डेल्टा हो गया प्राइमरी का, और स्मॉल वो दिखाया सेकेंडरी का स्टार कनेक्शन है, एन मतलब न्यूट्रल है, और 11 मतलब अपने को 11 o'clock का पोजीशन। 11 o'clock का पोजीशन मतलब यही है 30 डिग्री लीडिंग में जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी 30 डिग्री लीडिंग में रहेगा। और इसमें ट्रांसफार्मर में ऐसे नेम प्लेट में दिखाया होगा 1U 1V 1W। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर में आर वाई बी मेंशन नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल में UVW करके मेंशन करते हैं। U मतलब आर हो गया, V मतलब वाई हो गया, B मतलब सॉरी W मतलब B हो गया। और प्राइमरी का 1 करके नाम दिया है, सेकेंडरी को 2 करके दिखाया है। सेकेंडरी मतलब 2U 2V 2W और 2N। अभी इसमें ग्रुप में वेक्टर ग्रुप में देखिए, 1U से 2U को 30 डिग्री एंगल दिखेगा आपको, इसको हम लोग कहते हैं 11 o'clock पोजीशन। और वेक्टर ग्रुप कैसा फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को आप देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा 11 o'clock क्या है और 1 o'clock
क्या है। इसके लिए हम लोग अभी दो वाइंडिंग लिया है, दो वाइंडिंग को हम लोग को कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहला वाइंडिंग है उसको हम लोग स्टार कनेक्शन बना दिया तो ग्राउंड भी कर दिया, और सेकंड वाइंडिंग है उसको डेल्टा में बना दिया। तो डेल्टा जो भी है अभी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, इस जो भी कनेक्शन दिए हैं हम लोग, जो स्टार का भी कनेक्शन है और डेल्टा भी का भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को रख के हम लोग वेक्टर ग्रुप चेंजेस होता है। तो जो अगले वाला स्लाइड है उस देखने से भी आपको पता चलेगा। अभी का देखेंगे जो हम लोग बनाए हैं इस कनेक्शन को कौन सी वेक्टर ग्रुप आता है करके देखते हैं। अभी जो प्राइमरी का करंट है वो मेंशन किया है कैपिटल आई, और एंगल है आर फेस का 0, वाई फेस का 240 और बी फेस का 120। सेम एंगल दिया है सेकेंडरी को भी, और सेकेंडरी में करंट का मेंशन ये किया है स्मॉल आई, क्योंकि सेकेंडरी करंट करके अपने को अभी सेकेंडरी करंट स्मॉल आर अपने को चाहिए, इसलिए स्मॉल आर में ऐसी मेंशन किया है स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आई 0 डिग्री माइनस स्मॉल आई 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री माइनस में लिए हैं हम लोग, तो अपने को फाइनल आउटपुट से एक टैप लिया है नीचे बी फेस के लिए, इसलिए उसको माइनस में दिखाया अपने को फाइनल आउटपुट के लिए। अभी इसी इक्वेशन को हम अभी इधर देखेंगे, तो 360 डिग्री का अपने को सर्कल दिखाया, इसमें आर फेस का और वाई बी का एंगल दिखाया 120 120 120। अभी अपने को माइनस 120 चाहिए, तो प्राइमरी का सॉरी बी फेस का प्लस 120 है, उसका अपोजिट डायरेक्शन लेने से डॉट में दिखाया जो है वो 300 डिग्री अपने को मिलेगा। तो 300 डिग्री से आर फेस को अपने को बिटवीन में 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री का रिजल्टेंट जो फाइनल आउटपुट है अपने को कैलकुलेशन में 30 डिग्री मिलेगा। इसको हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं इसीलिए माइनस डाले हैं, अगर अपने को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से 90 180 के हिसाब से देखना है तो अपने को प्लस मिलेगा। वो जब अपने को 11 o'clock है उस टाइम का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, अभी क्लॉकवाइज में दिखाया इसलिए माइनस दिखाया, तो रिजल्टेंट अपने को माइनस 30 में मिलेगा। तो माइनस 30 का फेस शिफ्ट है 1 o'clock हो गया, तो मेंशन 1 o'clock में ही दिखाते हैं, DYN 1 o'clock करके दिखाते हैं, और 11 o'clock है तो प्लस 30 में आएगा, उसको 11 o'clock करके बोलते हैं। तो IC 0 हो गया 12 और 180 हो गया 6 o'clock। तो IC ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का एंगल IC कैलकुलेशन करके उसमें वेक्टर ग्रुप में दिखाया जाता है। अगर वेक्टर ग्रुप का टाइप्स देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ग्रुप्स हैं, डेल्टा में 6 वेक्टर ग्रुप आएगा और स्टार में 6 वेक्टर ग्रुप आएगा। तो वेक्टर ग्रुप का कनेक्शन इधर जो मैं दिखाया है वैसे कनेक्शन से डिफरेंस होगा, उसी के हिसाब से क्लॉकवाइज भी चेंज होगा, और इसमें जिगजैग करके एक वाइंडिंग है उसको भी कनेक्शन अलग से होता है। और टेस्टिंग के बारे में देखते हैं, टेस्टिंग के लिए अभी हम लोग लिए हैं DYN11 का वेक्टर ग्रुप। DYN11 का कनेक्शंस भी देखिए, ऐसे कनेक्शंस आएगा, इस कनेक्शन को आप जो मैं डिग्री दिखाया हूँ उसी हिसाब से अप्लाई करके देखिए, सेम DYN11 मिल जाएगा आपको। और अभी इसमें देखिए ड्राइंग को, DYN11 में इसमें नीचे का ड्राइंग देखिए, फेस को 1U 2U को शॉर्ट किया है, मतलब सेम एंगल में लिया है। तो पहला पॉइंट वही है, कनेक्ट 1U एंड 2U। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग 1U और 2U मतलब प्राइमरी आर फेस और सेकेंडरी आर फेस को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अपने को डायरेक्टली प्राइमरी में आर वाई बी देने से सेकेंडरी में कौन सी फेस से कितना एंगल फेस शिफ्ट हो रहा है करके अपने को पता नहीं चलेगा, इसीलिए आर फेस को सेकेंडरी में रेफरेंस लेना है। आर फेस वाई फेस जो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम लोग आर फेस लिए हैं। अब आर टू आर शॉर्ट करने से आर फेस का फेस एंगल सेम सेकेंडरी में आर फेस को भी मिलेगा, और उसको रेफरेंस रख के हम लोग को वाई बी का एंगल कितना डिफरेंस हो रहा है करके मेशर कर सकते हैं, इसीलिए उसको शॉर्ट किया जाता है। तो अभी कंडीशन इसमें 3 कंडीशन आता है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो DYN11 का वेक्टर ग्रुप सही से उसमें ट्रांसफार्मर में लगाया करके हम लोग समझ सकते हैं। उसके लिए कंडीशन 1 के लिए वोल्टेज मेशर करना है 1U एंड 2 स्मॉल n के बिटवीन में, और 2N एंड 1 कैपिटल V के बीच में मेशर करना जरूरी है, और 1 कैपिटल U एंड 1 कैपिटल V
मतलब प्राइमरी वोल्टेज मेशर करना है, तो मेशर करके अपने को फाइनल में जो दिखाया कंडीशन वो सेटिस्फाई होना है। वैसे दो कंडीशन भी है, ऐसे आप देख लीजिए, 1W and 2V, 1W and 2W, तो इसके बीच में वोल्टेज मेशर करके तो उसका ग्रेटर देन चेक करना है, और सेम इक्वल नीचे जो थर्ड कंडीशन है उसको भी मेशर करके 1V and 2V, 1V and 2W का मेशर करके अपने को वोल्टेज सेटिस्फाई हो रहा है क्या करके चेक करना है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो अपने को DY11 सेटिस्फाई हो गया करके समझ सकते हैं। दोस्त लोग, वेक्टर ग्रुप के बारे में मैंने सारे डिटेल्स बता दिया। अगर आपको डाउट्स होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। इस वीडियो को पसंद होगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।